बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेल्स, आज का हमारा नंबरिकल है, अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 केजी प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। व्हाट एक्सेलरेशन द सेम फोर्स विल प्रोड्यूस इन अ बॉडी ऑफ मास 8 केजी। क्वेश्चन में आपको नजर आ रहा है कि दो मैसेज दी हुई हैं और दो ही एक्सेलरेशन का जिक्र है। एक एक्सेलरेशन दिया हुआ है इस मास के लिए और एक एक्सेलरेशन इस मास के लिए जो है वो हमने फाइंड करना है, और फोर्सेस दोनों के लिए सेम है। तो गिवन डाटा हम देखते हैं, चूंकि हमारे पास अब क्वांटिटीज जो मैसेज हैं टू हैं, इसलिए हम पहले वाली जो मैस है उसको एम वन लिख लेते हैं, 5 kg, और एक्सेलरेशन जो है वो भी चूंकि दो हैं तो ए वन लिख लेते हैं, 10 m/s², और एम टू जो है वो है 8 kg। और जो हमने फाइंड करना है, ये तो डाटा हमारा गिवन डाटा था, टू फाइंड जी फाइंड हमने करना है एक्सेलरेशन ए टू। और जो इसमें फॉर्मूला लगेगा वो जाहिर बात है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगेगा, एफ इज इक्वल टू एम वन ए वन, और सिमिलरली एफ इज इक्वल टू एम टू ए टू। चूँकि दोनों के लिए उसने दोनों मैसेज के लिए फोर्स जो है वो सेम रखी हुई है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें, व्हाट एक्सेलरेशन द सेम फोर्स, वर्ड देखें सेम फोर्स, जो पहले वाली फोर्स थी वही फोर्स। तो लिहाजा मैंने न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है उसमें दोनों के लिए फोर्स सेम रखी है, क्योंकि उसने सेम फोर्स का जिक्र क्वेश्चन की स्टेटमेंट में किया था। अब यहाँ से ये दोनों इक्वेट कर लें, इसको से इक्वेशन वन करके इसे इक्वेशन नंबर टू करके, इक्वेटिंग वन एंड टू वी हैव जी एम टू ए टू इज इक्वल टू एम वन ए वन। अब इनकी वैल्यूज लगा देते हैं, एम टू की वैल्यू है 8 kg और ए टू आपने फाइंड कर रहे हैं, एम वन की वैल्यू है 5 kg और ए वन की वैल्यू जो थी वो थी 10 m/s². ये के जी तो दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा और ए टू आपके पास क्या आएगा, 10 × 5 50/8 m/s². आप कैलकुलेटर्स यूज़ कर लें या आप 50 को 8 पे डिवाइड कर लें, 8 × 6 = 48, 2 बचा, यहाँ पॉइंट लगाएं और यहाँ पे 0, ठीक है ना। तो ये 20, 8 × 2 = 16, 4 आया, फिर 0 उतरा और 8 × 5 = 40। तो लिहाजा जो इसका आंसर आएगा ए टू इज इक्वल टू 6.25 m/s² इज इट्स आंसर। दस द एक्सेलरेशन इज, दस द एक्सेलरेशन इज 6.25 m/s². होपफुली न्यूमेरिकल आपको समझ आ गया होगा। न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगा है और उससे दो इक्वेशन बनी थी, फोर्स चूंकि सेम थी तो हमने दोनों में एफ वन एफ टू नहीं लगाई बल्कि एक ही फोर्स लगा दी, फिर उनको इक्वेट करके ए टू की वैल्यू फाइंड कर ली, जो कि हमें मालूम करने के लिए कहा गया था। थैंक यू।